क्या कम हुई हार्ट की पावर बढ़ सकती है? अगर जानना चाहते तो देखिए आज की वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान हार्ट सेंटर आगरा से। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यानी कि डीसीएमपी, ऐसे ही आज एक पेशेंट से मिलवाऊंगा जो डीसीएमपी से ग्रसित है। जब वो हमारे पास आए थे तब उनकी हार्ट की पावर मात्र 15% थी। पेशेंट को साथ में डायबिटीज भी थी, नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी पर भी डैमेज था। हमने पेशेंट को दवाइयाँ दी और कड़ी मेहनत और अच्छे ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की हार्ट की पावर बढ़ के 50% तक पहुँच चुकी है। तो आइए मिलते हैं आज के पेशेंट से। नमस्कार, आज हमारे पास जो पेशेंट है उनका नाम है अमर सिंह, उम्र 68 साल है उनकी। ये पेशेंट हमारे पास 5-6 साल पहले आए थे, तब इनकी जो हार्ट की पावर थी वो मात्र 15% थी। इनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की बीमारी थी, तो तब इनकी काफ़ी सांस फूला करती थी। तो हमने इनको हार्ट की कुछ दवाइयाँ दी और इतने सालों के दौरान इनकी हार्ट की पावर बढ़ के अब 15% से बढ़ के अब 50% हो गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यूजुअली जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट होते हैं उनकी हार्ट की पावर बढ़ती नहीं है, पर ये एक अनोखा ऐसा केस है, इसलिए हम ये केस आपको डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी पावर बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी पावर एक बार कम हो गई तो वो हमेशा ज़िंदगी भर कम रहेगी। कुछ ऐसे केस भी हमारे को देखने को मिलते हैं कि पावर समय के साथ अच्छी दवाइयाँ देने से वो बढ़ भी जाती हैं। तो आइए पेशेंट से पूछते हैं कि जब वो हमारे पास आए थे तो उनको क्या परेशानी थी। हाँ, मैं उस समय मेरी हार्ट की पावर 15% थी जब चेक हुआ था, उसके बाद बढ़ते हुए मेरी 55 तक हो गई थी। अच्छा, आपको परेशानी क्या होती थी जब आप हमारे पास सबसे पहली बार आए थे? उस समय मेरी थोड़ी चलने में सांस फूलती थी और थोड़ा कमजोरी महसूस होती थी। तो जैसे कि पेशेंट ने बोला कि उनकी सांस फूलती थी, हम पूछते हैं क्या अब आपकी सांस फूलती है? अब बिल्कुल नहीं फूलती है। मैं 6-7 किलोमीटर जाता हूँ सुबह घूमने के लिए, कहीं बिल्कुल नहीं करती है। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए और जो वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करे उसे रेगुलर खाना चाहिए और उसको रेगुलरली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये ऐसे चमत्कार भी होते हैं कि पावर जो इतनी 15% तक घट चुकी होती है वो भी बढ़ सकती है। थैंक यू। तो देखा आपने, अगर हम पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दें और पेशेंट भी अच्छे से ट्रीटमेंट फॉलो करे तो पेशेंट की हार्ट की पावर बढ़ भी सकती है। ज़्यादातर डीसीएमपी के पेशेंट की हार्ट की पावर को बढ़ना मुश्किल होता है, पर कुछ ऐसे केसेस भी हमको देखने को मिलते हैं जिनकी हार्ट की पावर 15% से बढ़ के 50% हो चुकी है। ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं जिनकी पावर बढ़ी है, और जिनकी पावर नहीं भी बढ़ती है उनको अच्छा सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल जाता है। वह ज़रूरत होती है एक अच्छे ट्रीटमेंट की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पर्सनली दिखाना चाहते हैं तो आप ईशान हार्ट सेंटर आगरा में मुझे दिखा भी सकते हैं। Thank you for watching my video.